जय हिंद एवरीवन। आप लोग के एक शेयर से किसी का परिवार बच सकता है यार, आप लोग अपने ऊपर खुद लेकर सोचना। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जा रहा है तो हमारा मदद कौन करेगा? अगर आप लोग दूसरे का मदद करोगे तभी ना आपको कोई मदद करेगा, तभी ना आपको कोई सपोर्ट करेगा। तो इसलिए भाई देखो बात क्या है, अभी एक हमारे दोस्त आए जो दूसरे ग्राउंड पर रनिंग करते हैं, वहाँ के सीनियर हैं, मैं उनके पास कल गया था तो सब बात लगे बताने। पता है बात क्या हुआ है? ये फोटो आप लोग देख सकते हो, ये औरत लापता है, इनका घर बिहार है ठीक है ना, लेकिन इनका शादी यहाँ हुआ था हमारे दोस्त के तरफ ही, उनके मतलब कोई रिलेशन में या कुछ भी मतलब उनके जानकारी की है ठीक है ना। देखो बात क्या हुआ, मैं उनके पास गया तो सारा बात लगे बताने, ऐसा बताने लगे कि ये 8 अक्टूबर से ही लापता है और दिमाग के थोड़ा सा मेंटली है, जिसकी वजह से इनके चार लड़के भी हैं सब, एक लड़का है और तीन लड़की भी हैं सब। तो आप लोग खुद सोच सकते हो यार, अगर ये मिल जाएंगी तो इनका परिवार बन जाएगा, उन लड़कों के ऊपर क्या बीत रहा होगा। लगे हैं बताने कि मतलब चली गई तब से, हम लोग मतलब रेगुलर जाते हैं, 20 लड़के 25 लड़के हर एक गाँव में खोजते हैं, व्हाट्सएप पर फैलाया है। तो मैं बोला हूँ भैया देखिए ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग कितना भी खोजेंगे जब तक पूरे गांव में पता नहीं चलेगा, हर एक गांव में ये चेहरा दिखेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं उनसे फ़ोटो मांगा हूँ और बोला हूँ अगर मैं आप लोगों के पास शेयर कर रहा हूँ, ये नंबर भी है इस पर, इस नंबर पर यार आप लोग कॉल करके पूरा, आप लोग इतना अगर आप लोग देखो गाँव के हो इतना तो मुझे पता है, अगर आप लोग हर एक गाँव में ये चेहरा पहुँचा दे रहे हो ना तो कहीं भी रहेंगी मिल जाएंगी। यार देखो दिमाग के थोड़ा मेंटल है इसलिए मतलब थोड़ा परेशानी हो रहा है, और भैया मतलब जो हमारे दोस्त थे काफ़ी ज़्यादा दिनों से 8 अक्टूबर से ही बहुत परेशान है। तो आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करो यार, अभी मैं आप लोग को इनका पूरा पता बता रहा हूँ, पूरा पता दिखा रहा हूँ, और पता है आप लोग किस तरह सपोर्ट करोगे, आप लोग अपने ऊपर लेकर सोचना। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा, आप लोग खुद अपने ऊपर लेकर सोचना ठीक है। ये फोटो आप लोग देख सकते हो भाई, यही है जो लापता है 8 अक्टूबर से ठीक है ना। आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करो यार, क्योंकि आप लोग के एक शेयर से किसी का परिवार बच सकता है। और इनका घर वैसे तो बिहार है गोपालगंज ठीक है ना, लेकिन इधर ही शादी हुआ था। तो अभी दूसरे ग्राउंड पर जिस भैया को मैं बोल रहा हूँ वो दूसरे ग्राउंड पर रनिंग करते हैं, वहाँ के सीनियर हैं, NCCC भी है। मैं उनके पास गया हूँ तो जैसे कुछ काम से गया हूँ, वो लेट से आए हैं, तो लगे हैं बताने कि यार मतलब ऐसी ऐसी बात है, कोई लापता है, हम लोग खोजने में लगे हुए हैं। तो मैं बोला हूँ भैया हमको मतलब पूरा एड्रेस बता दीजिए, मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो आप लोग यार जितने भी भाई जुड़े हो थोड़ा मदद कर दो यार, एक शेयर करने से किसी का परिवार बच जाएगा तो इससे अच्छा क्या है यार। यहाँ पर लोग देख सकते हो ये 8 अक्टूबर से लापता है ठीक है ना, और यहाँ पूरा पता दिया हुआ है, इनका नाम पुष्पा देवी है। दिमाग से थोड़ा मतलब जैसे अच्छे नहीं हैं तो इसलिए बस दिमागी थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ आप लोग देख सकते हो जैसे पूरा एड्रेस जब मांगा हूँ तो इनके तीन लड़के भी हैं यार, एक अमन है जो 12 वर्ष का है, एक आंचल है जो 8 वर्ष का है, एक अर्चना है जो 5 वर्ष का है, और एक कुसुम है जो 10 माह का है। चार लड़के हैं यार, तो आप लोग खुद सोच सकते हो इनके लड़कों के ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये थोड़ा दिमाग के कच्चे हैं ठीक है ना। और देखो इनका नाम पुष्पा देवी है, उम्र 35 वर्ष है, ग्राम रेंदे हैं, पोस्ट जगदीशपुर है, थाना विजयपुर, गोपालगंज, बिहार की हैं ठीक है ना। तो जितना हो सके इस पोस्टर को शेयर करो भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, अपने ऊपर लेकर शेयर करना ठीक है ना। देखो अगर किसी के परिवार में कुछ होता है ना तो कोई सुनने वाला नहीं रहता है, कोई देखने वाला नहीं रहता है, आप लोग खुद अपने ऊपर लेकर सोचना। अगर आपके साथ कुछ होगा ना तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, जितना मुझसे हुआ है मैं किया हूँ, अब आप लोग के ऊपर है यार। अगर आप लोग चाहोगे अगर शेयर कर दोगे अच्छे से ना तो ये मिल जाएंगी ठीक है ना, और किसी का परिवार बच जाएगा। अगर दिल से सोचोगे ना तो शेयर जरूर करोगे। अगर वैसे तो यार मतलब बहुत लोग पड़े हुए हैं लेकिन कोई किसी का मदद नहीं करता है, आप लोग अगर चाहोगे तो मिल जाएंगी यार, किसी का परिवार बच जाएगा, तो शेयर जरूर करना ठीक है ना।